जब हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च लेके आते हैं, करीब 800 से 900 लोग हमारे मार्च में रहते हैं, या जब हम लोग बीसी ऑफिस आते हैं तो उसके बाद जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने गुंडों को बुलाती है, गुंडों को बुला के हम लोगों पे हमला करवाती है। इसमें कुछ हमारे साथी जो है वो घायल भी हुए हैं और दो साथी हमारे हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, और पूरा ये जो है एक डिक्टेटरशिप यहाँ पे चलाने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज़ों को यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से देश के अंदर में लोकतंत्र को मारने का काम कर रहे हैं, उस तरह से यूनिवर्सिटी में भी ये लोग लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पीसफुली मार्च कर रहे थे, उनकी पिटाई की जाती है, और फिर उनका अभी तक हमारी मांगे ये है कि जो जिन स्टूडेंट पे ये एलिगेशन वो शो का नोटिस दिया गया है उनको वापस लिया जाए, और हमारी मांगे जो जामिया वीसी प्रशासन सुने पूछपुछ तरीके, हम यही चाहते हैं। हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में सिर्फ जामिया को ही क्यों सेलेक्टिवली चुना जाता है और वहां पर इसराइल के प्रोग्राम कराए जाते हैं? टेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, और उस राइट को करने के एवज में जामिया के प्रोक्टोरियल टीम ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया, और वो शो कॉज नोटिस इनको जिनको मिला वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए, और वो वापस तो लिया नहीं गया, मगर उसके बदले में इनको इनके ऊपर में कल हमला किया गया, दिल्ली पुलिस को बुलाया गया बाहर में, जैसे हम लोग गुंडे हैं। जामिया की जो प्रशासन है ना, जो सो रही है उसको जगाना चाहते हैं, उसको होश में लाना चाहते हैं। हम उसके साथ कैसे दे सकते हैं जो कंट्री फिलिस्तीन के खिलाफ इतना जुल्म उठा रहा है, वहाँ का इतना जिनोसाइड मचा है, ऐसी कोई कंट्री जो पीसफुली है वो अगर आती है जामिया तो हम हमारा वेलकम रहेगा, लेकिन इसराइल जैसी कंट्री का नहीं रहेगा। विरोध करो, आप बिल्कुल करो, विरोध के लिए तो उनको कुछ कहा ही नहीं गया था। कुछ बच्चों ने प्रॉक्टर ऑफ प्रॉक्टोरियल स्टाफ के साथ बदतमीजी करी, वहां बाहर आकर गेट का ताला तोड़ा, धक्का मुक्की करी, गाली वगैरह दी प्रॉक्टोरियल स्टाफ को, उनके साथ अब गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जो इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में आता है, उस इनडिसिप्लिन की वजह से उनको शो कॉज नोटिस दिया गया। उसी कॉम्प्लेक्स में पीछे मीर तकी मीर बिल्डिंग है जिसमें कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंग्लिश डिपार्टमेंट की, और उसमें डेलीगेट्स आए हुए थे। इन बच्चों ने किया क्या था, जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट थे, इन्होंने पूरे वीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हर एक रास्ता बंद कर दिया था। अब वो डेलीगेट्स जब शाम को निकलने लगे, जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, जो जामिया के बाहर के लोग थे, DU के, JNU के और तमाम लोगों के थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसी में जो वॉलंटियर्स थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, इन लोगों से इनकी कहा सुनी हुई, और उस कहा सुनी ने थोड़ा लड़ाई का शक्ल अख्तियार कर लिया जो कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, और हमारे गार्ड्स वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इनको रोकने की कोशिश करी कि आप लोग ये मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए।